मोनिकाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अदरक की भुर्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले कि मैं बनाना शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल मोनिकाज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अदरक की भुर्जी बनाने के लिए हम बारीक बारीक कटा हुआ अदरक लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप बारीक कटा अदरक लिया है और इसी तरह से हम प्याज को भी बारीक काट लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। मसालों में हम नमक लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और ऑयल लेंगे। एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल यूज किया है। ऑयल गर्म होने पर इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अदरक को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। 2 से 3 मिनट अदरक को भूनने के बाद हम प्याज डालेंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। और प्याज के सॉफ्ट होने पर हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सॉल्ट का डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले डालने के बाद हम इसे स्लो गैस पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अदरक की भुर्जी बनकर तैयार है। इसे आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और ये दाल और साग के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।